नहीं पढ़ा पास कर नहीं तू प्रातःकाल 8:30 बजे के आसपास वन विभाग को सूचना मिली कि एक लेपर्ड रिहायशी इलाके पल्लवपुरम फेज 2 में देखा गया है। 9 बजे हम लोगों का ऑपरेशन चालू हो गया, लेपर्ड ऑपरेशन, जिसमें कि हम लोगों ने एक जगह लोकेट भी उसको किया। किसी कारणवश वहां से हम लोग लोकेट करने के बाद तेंदुआ थोड़ी देर और मूव हो गया और एक खुले हुए प्लॉट में रिहायशी इलाके में ही वो छुप गया। इस ऑपरेशन में स्ट्रेटजी बनाने में हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि बिल्कुल ही रिहायशी इलाका है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसमें जनता का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, जो यहाँ के पार्षद हैं ढाका जी, अपने गौरव जी और संजय ठाकुर जी, ऐसे बहुत सारे जो हमारे समाज से भी लोग हैं, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। जर्नलिस्ट मीडिया का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिससे कि हम लोग पीसफुल ऑपरेशन कर पाए और शाम को 6 बजे हम लोग उसको एनिमल को डार्ट करने के बाद में प्राकृतवास की तरफ हम लोग मूव कर पाए। सर, तकरीबन कितने टीमें लगी और डॉक्टर की टीम कहाँ से आई? जी, इसमें एक डॉक्टर की टीम, डॉक्टर आर के सिंह, जो पहले से ही वन विभाग से जुड़े हुए हैं, उनकी टीम यहीं से मेरठ से जुड़ी थी। एक डॉक्टर हमारे दिल्ली जू से हम लोगों ने बुलाए थे ताकि 2 टीमें रहें और बहुत ही सक्सेसफुली दोनों ने कोऑर्डिनेशन करते हुए, बाकी हमारी मेरठ फॉरेस्ट डिवीज़न की सारी रेंजेस की टीम यहाँ पर मौजूद थी, उनका भी बहुत सहयोग रहा इसमें, पुलिस बल का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सभी ने मिलकर एक प्रयास किया जिसका सफलतापूर्वक हम लोगों को सफलता उसमें मिल पाई है कि ऐसे घने आबादी वाले इलाके में बिना किसी जानमाल की हानि के और बिना किसी वन्यजीव की असुरक्षा के हम लोग उसको सुरक्षित अपना पकड़ पाए हैं और प्राकृतवास में उसको छोड़ पाएंगे। अगर वहीं पर सर बात करें, मिशन तेंदुआ जी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन देखने को ये मिला ना ही वन विभाग के पास जाल है ना ही पर्याप्त मात्रा में साधन है। जी, जैसा कि आप अभी भी देख पाएंगे जालों की संख्या यहाँ पर कितनी है, आप देख पाएंगे जाल हमारे पास उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी जिसमें कि हमें बड़े जालों की आवश्यकता थी, जो बहुत ही बड़े होते हैं, जो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी कि हमें उस तरह के जालों की आवश्यकता थी, जिसके लिए हम RRTS का भी सहयोग लेना पड़ा। जैसे कि आपने देखा मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ी जिससे कि हम लोग उसके निकट जा पाएँ बिना किसी उसके सेफ्टी के, तो MDA की भी एक मशीन यहाँ पर लगी, RRTS से हम लोगों ने सहयोग लिया। ये ओवरऑल एक पूरा कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा जिसका कि फलस्वरूप हम लोगों को इसको सफलता मिल पाई। सबसे बड़ी चुनौती क्या मानेंगे इसकी, क्या रही? इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं रिहायशी इलाका है तो जनता का उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है, तो कई बार अग्रेशन में लोग आवाज़ करते हैं, काम में थोड़ा सा विघ्न पड़ता है, प्लानिंग में भी उस तरीके से हम लोगों को बदलाव करना पड़ता है कि लोग यहाँ खड़े हैं तो उस तरफ सुरक्षा हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो ये बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि एक रिहायशी इलाके में बहुत ज़्यादा हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। बशर्ते कि अगर ये किसी एग्रीकल्चर फील्ड में होता तो ये ऑपरेशन हो सकता है कि बहुत ही कम समय चलता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ये ऑपरेशन चला। इसका कारण यही था कि हमें सुरक्षा सबकी ज़रूरी देखनी थी कि किसी को नुकसान ना हो, वन्यजीव को नुकसान ना हो, पब्लिक को नुकसान ना हो।